राम राम, नमस्कार। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी हापुड़ जिले के मुरादपुर गांव में हूं और इस मुरादपुर गांव में आपको मैं सोलर चक्की की वीडियो दिखा रहा हूं। ये मासूम साहब जो बच्चा मेरे साथ बैठा हुआ है, ये इस चक्की मालिक का बेटा है जो इस चक्की को चलाता है। छत पर ये सोलर पैनल लगे हुए हैं, कितने पैनल लगे हुए हैं, क्या इसकी लागत है, किस तरह से ये चक्की यहाँ चल रही है, कितना इस पर खर्चा आया है और क्या फ़ायदे हैं सोलर की चक्की के। आप लोग सोलर की चक्की लगाना चाहते हैं तो इसकी पूरी जानकारी करें और किस तरह से आप सफल चक्की चला करके अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं, वीडियो पूरा देखें। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। यदि आप सोलर का प्लांट लगाना चाहते हैं, सोलर की चक्की लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि कितने तरह के सोलर पैनल होते हैं और कौन सी चक्की आपको चलानी चाहिए, कितनी धूप चाहिए, कितना स्थान चाहिए और कितनी इस पर लागत लगती है। मुरादपुर गाँव में शहादत भाई हैं, उनके बेटे हैं, क्या नाम बेटा तुम्हारा? इंतखाब के जो हम छत पर बैठे हुए हैं, जो इस सोलर पैनल है, कैसे ये चक्की काम करती है, कितना आटा पीसती है और क्या इसका मुनाफा हो रहा है, कितने दिन से ये चला रहे हैं सीधे? क्या उम्र है तुम्हारी? 16 साल। 16 साल है तो पढ़ते हो इंतकाब? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8th में पढ़ते हो। अच्छा, ये जो चक्की तुम चलाते हो, पिसाई करते हो? करते हो। तो ये कितना आटा एक दिन में पीसते हो, एक घंटे में कितना आटा? एक घंटे में 120 किलो। अच्छा, और अच्छा, एक घंटे में 120 किलो आटा तुम पीसते हो, तो दलिया हो या आटा हो या दाल हो, सब पिसाई करते हो? नहीं, आटा और दलिया। आटा और दलिया करते हैं। पिसाई क्या भाव देते हैं आप? 6 रुपये। 6 रुपये। अच्छा, वैसे जो बिजली की चक्की चलती है वो उनसे पिसाई क्यों करती है? 6 रुपये धड़ी उनके बराबर लेते हैं। तो चक्की में जो आटा पिसवाने वाले लोग हैं वो खूब आते हैं, कम आते हैं? खूब आते हैं। अच्छा, ये गांव के लोग हैं ये आते हैं कि आसपास के भी आते हैं? और गांव के, जैसे रतूपा हुआ, रजाड़ हुआ, या ऐसे गाँव के। अच्छा अच्छा, ये तो कितने दिन हो गए तुमको ये चलाए हुए? एक साल होगा। 1 साल हो गया पूरा। तो ये जो है अब तो बहुत हम देख रहे हैं, हमको इस समय धूप निकली हुई है, इस समय तो काम करेगी बढ़िया। तो ये कम, बहुत कम, जैसे कोहरा पड़ता है जाड़े के दिनों में या बरसात में धूप कम निकलती है तब भी बढ़िया काम करती है ये? हाँ, जब भी बढ़ेगा। बस उसकी चाल स्पीड कुछ कम हो जाती होगी है? दाब कम लेती है। दाब कम लेती है तो इसके क्या काम करते हो दाब कम बढ़ाने के लिए? क्या गल्ला कम कर देते हैं। अच्छा, गल्ला कम कर देते हैं, यानी कि आप चाहे कम धूप निकले, चाहे कोहरा पड़े, चाहे बारिश पड़े, तो वो दाब कम लेती है, चक्कर कम बनाती होगी और उसके लिए आप उसमें गल्ला कम कर देते हो, है? तो बाकी फिर आटा बढ़िया पीसती है। हाँ। अच्छा, और क्या क्या खास बात है तुम्हारी चक्की की? बताओ। कुछ खास बात नहीं है, ऐसी है। अच्छा, कितनी कीमत लगी इसको प्लांट को लगवाने में आपको? 6.5 लाख। 6.5 लाख। तो गांव में आसपास और लोगों ने भी लगवा रखी है या तो नहीं लगवा रखी? बस हमारी एक गांव। हमारे एक गांव में काफ़ी लोग और भी कुछ देखने आते हैं, सीखने आते हैं, कुछ बात पूछते हैं लोग? हाँ, और कहते हैं हमारे बिजली का कुएं लगाओ। अच्छा, तो बिजली तुम्हारे मन में, तुम्हारे पापा काम क्या करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी ड्राइवर हैं। और इतना बड़ा पैसा तुम लोगों ने लगाया इस गांव में, तो क्या सोच के लगाया था? ये बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे या ये मन था पहले से ही कि बिजली का बिल देना ना पड़े, इसे चक्की लगाई जाए? ये ऐसा लगाया था कि उसमें चक हो जाएगी यार, वो हो जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, बिजली का बिल चक्की वाले जो गांव में लगा रखी है और लोगों ने, उनका बिजली का बिल कितना आता है महीने का? 10-11 हज़ार रुपये आता है, यानी कि एक साल में मानो 1.25 लाख रुपये बिजली का बिल आ जाएगा, है ना? तो ये तुमने जो है 4-5 साल में इसको पूरा कवर कर लोगे और ये इसकी लाइफ तो ज़्यादा है, तो 20-30 साल चलेगी तुम्हारी? 25 साल की गारंटी है। अच्छा, 4 साल चल जाएगी। अच्छा, कंपनी ने जिसने लगाया है उसकी 25 साल की
गारंटी है और इसकी बता रहे थे कि 45-40 साल चल जाती है। तो दोस्तों आपने देखा आजकल बिजली के बिल बढ़ रहे हैं और डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, इंजन की चक्की बहुत ही महंगी पड़ रही है और बिजली के बिल भी बेतहाशा बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको बिजली के बिल से बचना है, डीजल की महंगाई से बचना है, तो ये सोलर जो प्लांट देख रहे हैं आप मजबूत इतना है कि ये जो बैठा हुआ है इंतखाब, यहाँ मैं भी बैठा हुआ हूँ, हमारा कैमरामैन इस पैनल की छत पर ही खड़ा हुआ है और बार बार जो बिजली के झटके रहते हैं और बिजली की जो परेशानी होती है, इसका एक शेड्यूल निश्चित है। जब चाहे आप समय से धूप निकले तो आप बढ़िया काम कर सकते हैं और कम धूप निकले तब भी आप जो है कम गल्ला करके मजे से पिसाई कर सकते हैं और बिजली के झंझट है जो बिल का उससे बच सकते हैं। बस एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। बहुत सारी कंपनियां इस तरह के प्लांट लगा रही हैं, आगे की वीडियो में हम जानकारी देंगे। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी जरूर देखना आपको, और भी हम जानकारी देना चाह रहे हैं जो लोग सोलर चक्की लगाना चाह रहे हैं, ये सोलर चक्की किस तरह से काम करती है, नीचे इस पैनल से उतर के हम वहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, कैसे ये ग्रिड पर काम कर रही है, कैसे चक्की चल रही है, वो चक्की भी हम आपको चलती हुई दिखाएंगे। लगातार पूरा वीडियो देखें, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। खेती किसानी और कामकाजी बाजार से लेकर ट्रैक्टर जनरेटर बाजार हो या खेती किसानी में नए प्रयोग हो, इस तरह की वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। अरे ये क्या चक्कर क्या आ रहे हो बेटा, इसमें ये क्या दिखा रहा है? क्या दिखा रहा है ये 47-48 से क्या है चक्कर? एम्पियर वोल्टेज है। कहाँ है ये चक्कर? इसके वो है एम्पियर वोल्टेज आ रहा है। अच्छा 58 किलोवाट क्या दिख रहा है? ये घंटे कितने घंटे चलती? 2000 घंटे। अच्छा ये है मेरे 353 वाट आ रहे हैं। अच्छा अच्छा एसी के और डीसी का आ रहे हैं 600। अच्छा अच्छा ये कन्वर्टर है जिसे इंतखाब बता रहा है। इंतखाब ये जो कन्वर्टर से कैसे हम जो है इसको क्या करेंगे इसको बताओ, कैसे कैसे चलाना होता है? पहले ये खोलो, ये खोल के। अच्छा जी ये इतने क्यों नहीं खोले, बाकी के ये इधर क्यों नहीं खोले? ज्यादा प्लेट हुआ जब ये जब खोले जाते हैं ना। अच्छा अच्छा ये तुमने 3 MCB जो है ऊपर कर दी है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ इसमें लाइट आने लगी है, ये पावर का जो है ये ग्रीन आ रहा है। अच्छा अच्छा और ऊपर क्या लिखा आ रहा है इस पर? डीसी करंट पावर। अच्छा अच्छा फिर इसको ऑन, बस ऑन कर दिया चल रही चक्की। अच्छा इसको ऑन करते ही ये चक्की जो है हाथों कर रही है।